जी हमारे भाई मतुल्ला एडवोकेट को 16 जुलाई 2023 को अगवा किया कच्चे के डाकों ने, और हमने पुलिस को कंसल्ट करके, डेरा इस्माइल खान के पुलिस को, उन्होंने उनके डेटा और ये चीज़ें ट्रेस करके, जो कंकोट के साथ गंडेर का इलाका है बुडानी, वहाँ पे उनको रखा गया है। हमने इस दौरान एसएसपी गोटकी और एसएसपी कश्मोर, इन दोनों को कंसल्ट किया और तकरीबन 20 दिनों तक उनके साथ रहे, बार बार मिलते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद हम आईजी सिंह साहब के पास आए, उन्होंने हमें तसली भी दी और साथ साथ उनके लिए इनाम का भी ऐलान किया, और एसएसपी अंजशेख साहब को कॉल की कि अगर आपने इस बंदे को रिकवर कराया तो मैं 20 लाख का इनाम भी दूंगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस यानी वहाँ के एसएसपी दोनों ये अभी तक उनको रिकवर करने में नाकाम रहे हैं। हमारा मुतालबा है ये जितने भी सारे पश्तून को इकट्ठे हुए हैं, मजबूरी के तहत ये रोड अदा करना पड़ा, हमारा मुतालबा है कि हमारे भाई को बाजियाब कराया जाए और साथ साथ इस कच्चे के नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए भी मुस्तकिल कोई तरीका बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पे पंजाबी, सिंधी और बलोच और भी मोहवी पड़े हुए हैं। ये हमारे भाई मतुल्ला एडवोकेट को 16 जुलाई 2023 को अगवा किया कच्चे के डाकों ने, और हमने पुलिस को कंसल्ट करके, डेरा इस्माइल खान के पुलिस को, उन्होंने उनके डेटा और ये चीज़ें ट्रेस करके, जो कंकोट के साथ गंडेर का इलाका है बुडानी, वहाँ पे उनको रखा गया है। हमने इस दौरान एसएसपी गोटकी और एसएसपी कश्मोर, इन दोनों को कंसल्ट किया और तकरीबन 20 दिनों तक उनके साथ रहे, बार बार मिलते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद हम आईजी सिंह साहब के पास आए, उन्होंने हमें तसली भी दी और साथ साथ उनके लिए इनाम का भी ऐलान किया, और एसएसपी अंजशेख साहब को कॉल की कि अगर आपने इस बंदे को रिकवर कराया तो मैं 20 लाख का इनाम भी दूंगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस यानी वहाँ के एसएसपी दोनों ये अभी तक उनको रिकवर करने में नाकाम रहे हैं। हमारा मुतालबा है ये जितने भी सारे पश्तून को इकट्ठे हुए हैं, मजबूरी के तहत ये रोड अदा करना पड़ा, हमारा मुतालबा है कि हमारे भाई को बाजियाब कराया जाए और साथ साथ इस कच्चे के नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए भी मुस्तकिल कोई तरीका बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पे पंजाबी, सिंधी और बलोच और भी मोहवी पड़े हुए हैं। शुक्रिया।